ओके, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीडी। ठीक है, पीडी इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर मार देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता है। तो शुरू करने से पहले कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि पीडी होता क्या है। ओके, तो पीडी क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करता है वन डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ओके, इसी को हम लोग पीडी कहते हैं। अगर लैंग्वेज में लिखें तो हम क्या बोलेंगे, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कॉन्टेंस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इज कॉल्ड पीडी। ओके, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर जैसे एग्जांपल हम लोग ले ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे ले लीजिए, मान लीजिए इसको जेड का टू टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस जेड का वाई के रिस्पेक्ट में कुछ पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है आपका, जेड एक्स और वाई का फंक्शन है। ओके, इसी तरह मान लीजिए कुछ आप और भी ले सकते हैं इसी एग्जाम्पल को, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस कुछ आप मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो ले लिए, तो इस टाइप्स के होते हैं। ओके ओके, तो जो अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही डिफिनेशन मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग इसको समझते हुए बस निकलेंगे। ओके, फिर हमारे पास जैसे मैंने अभी जो कुछ एग्जाम्पल लिया, ये अपने पास एग्जाम्पल हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि डिग्री क्या होता है, और डिग्री जानने के लिए हमें जानना होगा कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग बोलेंगे उस पीडीई का ऑर्डर। ओके, जैसे मान लो कि इसी में लिया हुआ था, इसमें तो इसमें देखिए, इसमें टू डिग्री का टू मतलब टू टाइम से पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, इसमें वन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का क्या है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो हाईएस्ट टू हो जाएगा, तो इस पीडीई का जो ऑर्डर होगा वो टू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम डिग्री पे। अब डिग्री क्या होगा, तो डिग्री होगा आपके पास जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो ऑर्डर है ना, जैसे मीन्स यहाँ पे वन ऑर्डर का है, टू ऑर्डर का है, तो इसका जो पावर होगा, इसका अभी कुछ नहीं है तो पावर वन है। ठीक है, तो इसका जो पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ दैट पीडी। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर का। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या आएगा, मतलब ये पीडी किस टाइप के होते हैं, तो एक तो लिनियर पीडी हो जाएगा। ठीक है, एक लिनियर पीडी, सेकेंड वन हो जाएगा सेमी लिनियर। ठीक है, सेमी लिनियर पीडी। ओके, थर्ड वन आपका हो जाएगा इसी टाइप का है, क्वेसी लिनियर। ठीक है, थर्ड वन को हम लोग बोलेंगे क्वेसी लिनियर। ये आपका हो जाएगा क्वेसी लिनियर। ओके, और लास्ट वन है नॉन लिनियर। ठीक है, नॉन लिनियर। तो एक बार इसका हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूं। देखिए,
हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का पीडीई होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें जो अच्छा इसको जानने से पहले कुछ चीज हमारे पास जो पीडीई का हमने डिफिनेशन समझ गया था, ठीक है, क्या होता है। तो एक हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ, तो जो इस टाइप का एवोकार्ड है ये आपका पीडीई है। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई जेड क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो जो ये जेड है ये क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स वाई का फंक्शन है तो मान लीजिए जो जेड होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट। इसको मैंने कुछ पी ले लिया, आपके बुक में यही सब मिलेगा, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में क्या, इसको आप क्यू ले लीजिए। ओके, तो जो लिनियर पीडीई है यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्ट्रक्चर लिख दिया है लिनियर पीडीई का, सेमी लिनियर पीडीई का और क्वेसी लिनियर पीडीई का, ठीक है। तो इस पे ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का होता है लिनियर नॉन लिनियर सेमी पीडीई। तो इसमें इसको मैं अब डिटेल्स, अब जेड हमें ये समझ में आ गया, अब हम अपने उस पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसमें क्या हो, कुछ एक्स वाई का फंक्शन दिया हो, तो उसको मैंने कुछ ए एक्स वाई पी ले लिया, प्लस कुछ एक और मल्टीप्लायर, इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, और क्यू क्यू ये मतलब यहाँ पे इसको इस टाइप से भी आपको दिया रहा जाएगा, कुछ जेड एक्स इस टाइप से लिखा रहेगा, प्लस बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई मतलब कि बी एक्स वाई एक फंक्शन है एक्स वाई का, और यहाँ पे कुछ जेड वाई, ठीक है। अब ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, कुछ सी, सी क्या है एक्स वाई का फंक्शन है फिर से, और ए जेड, प्लस डी कुछ एक्स वाई का। तो जो इस टाइप का है इसको हम लोग बोलते हैं लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, एक क्विक रिव्यू करा रहा हूँ ताकि जब हम लोग प्रॉब्लम पे आए तो आपको टर्मिनोलॉजी पता हो, ठीक है। तो एक लिनियर पीडीई का, लिनियर पीडीई का कैसे हम इसको ऑब्जर्व करके लिनियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी का मल्टीप्लायर क्या है एक्स वाई है, तो यहाँ पे ए एक्स वाई क्या हो गया आपका, ए एक्स एक्स वाई हो गया आपका ए, और बी यहाँ पे वन हो गया, पी है क्यू है, और इधर जेड का मल्टीप्लाइड है, और डी आपका क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, लिनियर का हो गया, ठीक है। अब लिनियर का यहाँ पे देख रहे होंगे इधर तो ठीक है पी आ गया क्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर का टर्म आ गया, तो इस टाइप का कंटेंट आएगा तो आप बोल देंगे कि नॉन लिनियर है, ठीक है। अच्छा, थ्रू आउट आपके एग्जाम में या बुक में जो दिया रहता है हम क्या यूज करते हैं, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको पी नाम देते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू नाम देते हैं, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, देख सकते हैं। उसी तरह अब इस जेड एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ जेड एक्स एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग आर बोल देते हैं। उसी तरह जेड जो वाई था इसको वाई के रिस्पेक्ट में फिर करेंगे तो इसको टी बोल देते हैं, और इस जेड एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम लोग एस बोल देते हैं। कहीं कहीं जेड वाई एक्स भी लिया रहता है, लेकिन मोस्टली हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की किस टाइप का होता है। ओके, अब हम लोग सेमी लिनियर का देख लेते हैं। तो सेमी लिनियर में क्या होता है, आपका वहां पे था ये जो था बस लिनियर का, आप समझिए लिनियर में क्या था, सी एक्स वाई टाइम्स जेड प्लस डी एक्स वाई, इधर लेफ्ट साइड का सेम था। तो राइट साइड में जो अब ये है पूरा एक्स वाई जेड का फंक्शन बन जाएगा, लेफ्ट साइड में वही रहेगा पी क्यू वाला। तो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेमी लिनियर पीडी। ओके, अब ऑर्डर का यहाँ पे पी जेड एक्स ही है ना, यहाँ पे भी जेड एक्स जेड वाई है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, तो ये लिखा हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। कुछ एग्जांपल्स लिए हुए, जैसे देखिए पी है इसका मल्टीप्लायर कुछ हो गया, क्यू है इसका मल्टीप्लायर कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जेड स्क्वायर आ गया एक्स वाई, तो इधर सी एक्स वाई क्या है, मतलब पूरा एक्स और जेड का फंक्शन है, तो पूरा मिला के तो आपका अगर ऐसे देखते तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, लीनियर तो नहीं होता, ठीक है, जो लीनियर पीडी हमने फर्स्ट पढ़ा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सेमी लीनियर तो रहा और इधर पूरा एक्स वाई जेड का फंक्शन बन रहा, तो इसको अगर हम सी से लेते क्या हो जाएगा, हमारा सेमी लीनियर हो जाएगा, ठीक है। लीनियर क्यों नहीं है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे जेड स्क्वायर का टर्म आता है, लीनियर नहीं है। ओके, सेकंड हमने ले लिया ए, यहाँ पे देखिए पी के साथ जेड का टर्म आ गया, जबकि हमारे पास क्या था, सिर्फ एक्स और वाई का, पी और क्यू के साथ एक्स वाई का टर्म होगा, और इक्वल टू के बाद जो था वो क्या था, मतलब एक पी के साथ टर्म, एक क्यू के साथ टर्म, और एक था एक्स वाई जेड का फंक्शन था। ये तो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया, ए भी सेटिस्फाई कर गया, बट ए वाला नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेमी लीनियर, ठीक है। अब थर्ड वन जो है आपका क्वेसी लीनियर, ठीक है। क्वेसी लीनियर इसमें क्या होता है, जो हमारा ए ए था वो एक्स वाई का फंक्शन था, अभी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन बन गया। उसी तरह जो बी था एक्स वाई का फंक्शन था, अब बी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन बन गया, ठीक है।
उसी तरह जो सी था वो क्या था, एक्स वाई जेड का फंक्शन सेमी लिनियर में था, और लिनियर में क्या था, सी इस टाइप से था कुछ, जेड और प्लस डी। तो अब इसमें क्या हो गया, क्यूसी लिनियर है, ठीक है, क्यूसी लिनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ए बन जाएगा एक्स वाई जेड का फंक्शन, बी बन जाएगा एक्स वाई जेड का फंक्शन, और सी बन जाएगा एक्स वाई जेड का फंक्शन। तो इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि क्यूसी लिनियर है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे पी देखिए, ठीक है, पी का मल्टीप्लायर ए ए हो गया, कुछ बी होगा, कुछ सी होगा, इक्वल टू इधर सी हो गया, ठीक है, इधर भी पी है, पी का मल्टीप्लायर एक्स, मतलब ए ए ए वाला चीज हो गया, ए जेड है तो ए वाला हो गया। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा था लिनियर और सेमी लिनियर, दोनों में ही जेड का टर्म पी और क्यू के साथ नहीं आ रहा था, तो कभी भी पी और क्यू के साथ कहीं भी जेड का टर्म आ गया, इसका मतलब पक्का क्यों ना लिनियर होगा ना ही सेमी लिनियर होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचता है, या तो क्यूसी लिनियर या तो नॉन लिनियर। यहां से हम देख रहे हैं कि ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन आ सकता है, तो ए सेटिस्फाई कर गया, बी सेटिस्फाई कर गया, और सी एक्स वाई जेड का हो गया, अतः ए आपका क्या हो जाएगा, क्यूसी लिनियर, ठीक है। अब थर्ड वन आता है, लास्ट वन आता है, वो है नॉन लिनियर, ठीक है। तभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर सॉरी नॉन लिनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो भी हमने ये ऊपर के तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, अगर तीनों प्रॉपर्टी में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ए नॉन लिनियर है। जो मैंने अभी डिफिनेशन बोला कि एक पीडी आपको दिया रहेगा, ओके, आपके पास एक पीडी है, ठीक है। तो हमने अभी तीन प्रॉपर्टी तीन पढ़ा, लिनियर, सेमी लिनियर और क्यूसी लिनियर। अगर तीनों में से सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप बोल देंगे कि वो नॉन लिनियर है, ठीक है। तो वही चीज लिखा होगा, डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ एबव टाइप ऑफ पीडी इज कॉल्ड नॉन लिनियर पीडी, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल से देख ले रहे हैं, ये देखिए पी इंटू क्यू है, इस टाइप का तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो कुछ पढ़ा था कि वहां पे पी इधर कुछ हो रहा था प्लस इधर कुछ हो गया कुछ क्यू हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट वाला तो नहीं पढ़ा था, ए भी ए नॉन लिनियर हो गया, ओके। हमने पी और क्यू का पढ़ा था, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का नहीं पढ़ा था, तो फिर से नॉन लिनियर हो गया, ठीक है। अब पी और एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तो पहला वाला में चला जाएगा, पी का समथिंग मल्टीप्लायर वन हो गया, क्यू का जीरो हो गया, और फिर था सी एक्स वाई जेड और प्लस डी, तो यहाँ पर सी एक्स वाई को आप ले लीजिए माइनस एक्स वाई और जेड जेड हो गया, तो यहाँ से लिनियर हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग यहां तक इजीली समझ गए होंगे, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, फॉर्मेशन ऑफ पीडी, मतलब पीडी का फॉर्मेशन कैसे होगा और क्या होगा, ओके। तो उसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं, एक होता है जिसमें फंक्शन होते हैं, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। उससे पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कि पीडी का सोल्यूशन, जो जैसे क्वेश्चन लिनियर या इसे पढ़ाते हैं, इनका सोल्यूशन किस टाइप से होता है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि मेनली हमें अपने क्वेश्चन पे आना कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे करना होता है, तो अब डायरेक्टली मैं वहीं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन ऑफ पीडी, ओके। तो सोल्यूशन ऑफ पीडी, एक आपके एग्जाम में नाम भी दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता है, एक होता है लैग्रेंज इक्वेशन, ओके, लैग्रेंज इक्वेशन। एक इसके लिए होता है क्वेसी लिनियर के लिए होता है, क्वेसी लिनियर पीडी इसके लिए होता है लैग्रेंज इक्वेशन। एक इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, क्वेसी लिनियर में हमारा क्या स्ट्रक्चर था, कुछ ए एक्स वाई और जेड था, यहाँ पे कुछ पी था, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा था बी एक्स वाई जेड, ठीक है, बी एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ क्यू था, इक्वल टू हमारा कुछ सी एक्स वाई जेड था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे थे, आपके बुक में जो दिया रहता है बुक में कुछ पी क्यू के टर्म में दिया रहता है पी एक्स वाई जेड, तो इसको यहाँ से कोरिलेट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कैपिटल क्यू दिया रहता है एक्स वाई जेड क्यू, और यहाँ पे कुछ आर दिया रहता है एक्स वाई जेड, कहीं कहीं सिंपल में लिखेगा तो इस टाइप से लिखता है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है, इस टाइप का है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो हमें ये पता चल गया था कि क्वेश्चन लिनियर किस टाइप का होता है, तो एक आता है लैग्रेंज इक्वेशन का आता है कि इस गिवेन, इसको वन नाम दे दे रहे हम लोग, तो इसके लिए जो ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन होगा वो कुछ इस टाइप से दिया जाएगा। सो ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन को मैं ए ही लिख दे रहा हूँ, ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन फॉर वन,
गिवेन। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, बस एक समझिए कि एक इक्वेशन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ए क्या कहता है, डीएक्स बाई पी इक्वल टू डीवाई बाई क्यू इक्वल टू डीजेड बाई आर। अब ये समझिए कि वीवीआई फॉर्मूला है, मतलब इससे डेफिनेटली आपके क्वेश्चन तो आते ही, चाहे नेट हो चाहे गेट हो, हर जगह क्वेश्चन आएंगे इसे। ओके ठीक है, तो इसमें अब मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके और भी मेथड है। तो इसमें सिंपली आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तब क्या करोगे, जैसे हमने जेड के लिया था ना। ओके, तो आप ये ज़ूम कर लीजिए कि आपके कुछ यू इक्वल टू सी वन एंड वी इक्वल टू सी टू, कोई दोनों सोल्यूशन है ठीक है। हर टू, ये समझने के लिए इसका काम नहीं है, सोल्यूशन ऑफ इसका कुछ मान लीजिए, इसको कुछ नाम दे दीजिए ठीक है। तो लेट यू इक्वल टू सी वन एंड वी इक्वल टू सी टू आर टू सोल्यूशन ऑफ टू। ओके, देन अब हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। यू कोमा भी इक्वल टू जीरो, या फिर ए इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया और दूसरा एक्सप्लिसिट फॉर्म होता है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, आपने नाम सुना होगा। या तो आप इस टाइप से दे या तो इस टाइप से दे, दोनों इक्विवेलेंट ही है। ए क्या हो जाएगा, इज सोल्यूशन ऑफ वन। ए जो हमने वन थोड़ा देर पहले आपको डिस्प्ले करता हूँ, थोड़ा देर पहले वन हमने जो यहाँ पे देखा था, इसका जो सोल्यूशन होगा वो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लग रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए है। और इसकी हेल्प से अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है तो वहां से हमारा एफ ऑफ यू कोमा भी और इस टाइप का जो होगा ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा उस इक्वेशन के लिए। इससे भी बेस्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट में। अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन जो है हमारे लिए, तो नेक्स्ट वन है जो हमारे लिए एक कॉसी प्रॉब्लम है ठीक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी डायरेक्टली आता है कॉसी प्रॉब्लम ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कुछ कॉसी जो क्वेशी हमने पढ़ा ना, क्वेशी लिनियर पीडी उसी से रिलेटेड है। तो उस केस में जो भी था हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन जो हमने नोट डाउन किया था पी क्यू आर इस टाइप का जो था। तो इसके लिए कहता है कि अगर ए मतलब वो इक्वेशन इफ वन, इफ वन पासिंग थ्रू इफ वन पासिंग थ्रू, मान लो कुछ हमें इस टाइप से इनिशियल पॉइंट या कोई एक हिंट दिया रहता है या कोई एक पॉइंट दिया रहता है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट से पास करता है ठीक है। इफ इतना पासिंग थ्रू दिस, बी इसमें यही यही देख के आपको समझ में आ जाएगा बी कौसी प्रॉब्लम। बी कौसी प्रॉब्लम ठीक है, देन इट्स सोल्यूशन इज गिवेन बाई, तो ये सोल्यूशन के लिए तो हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा ही था ठीक है। तो अभी हमने ये थोड़ा सा ऊपर जो डिस्कस किया ना, तो इसका सोल्यूशन उसी तरह होगा क्योंकि प्रॉब्लम तो वही कौशी लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्यूशन तो हमने पढ़ ही लिया था। देन इट्स सोल्यूशन इज गिवेन बाई एवा मेथड कर देना, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमने सोल्यूशन कर ही लिया था। अब इसमें एक्स्ट्रा हमें दे दिया कि इस पॉइंट से पास करता है ठीक है, तो पास करता है तो अब क्या होगा, उसमें जो कॉन्स्टेंट एंगल है उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ये इनिशियल कंडीशन पुट करके ठीक है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इक्वेशन वन था आपका, जो ए वाला वन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब, कुछ कंडीशन है सोल्यूशन, एक सेकेंड, सोल्यूशन ऑफ वन एग्जिस्ट एग्जिस्ट इफ, अब यही कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि हमें पॉइंट दिया था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है लिनियर में मैंने बताया था। जो पी दिया था वो एक्स नॉट वाई नॉट और इस जेड नॉट पे क्या हो,
हाँ इस पे और उधर क्यू दिया हुआ था ना, तो क्यू कभी लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट पे, ठीक है। और जो एक्स नॉट था उसका डेरिवेटिव ले लीजिए, और इधर जो वाई नॉट था इसका डेरिवेटिव, एक टी का फंक्शन है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो ही वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जब इस केस में फिर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज यूनिक, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा इस केस में। लेकिन नॉन जीरो होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी जीरो हो गया तो आप फिर वहां से अलग, जैसे एक बेनडिक्शन फॉर्मूला है उस पे बेस्ड, लास्ट टाइम एग्जाम में हमारे पूछा हुआ था 2019 दिसंबर में, ठीक है। तो उस पे हम लोग बाद में आएंगे। और एक जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी हम लोग थ्रू आउट एप्लीकेशन करेंगे, तो उसको मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, वो है आपका चारपिट मेथड, ठीक है। ये जो नॉन लीनियर होते हैं ना पीडी, उनके लिए यूज होता है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए, इसी का पार्टिकुलर के साथ देखिएगा ना, तो आपका लीनियर वाला लग रेंज वाला हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इंटरवल ओनली फॉर नॉन लीनियर पीडी, ओके, नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। कंडीशन याद रखना है, हालांकि पता नहीं आपको थ्योरी से नहीं क्लियर होगा, तो जब प्रॉब्लम करेंगे तो डायरेक्टली आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेट एफ ले लेते हैं जो एक्स वाई जेड, और पी, पी क्या था, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसी तरह क्यू का क्या था, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। लेट इतना बी ए नॉन लिनियर, बी ए नॉन लिनियर पीडी, ओके, नॉन लिनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ओके। ये क्या है आपके पास, एक नॉन लिनियर फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। देन देन अब वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हम लोग लैग्रेंज मेथड से निकाल लेते थे, यहां पे कैसे निकालेंगे, देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवेन बाय, अब ये कैसे देगा, डीएक्स बाई एफ पी, पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एफ का, फिर डी वाई बाई एफ क्यू, ओके, फिर डी जेड बाई पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, फिर ये तीन तो हम लोग पहले कर ही रहे थे, अब दो टर्म और बढ़ जाएगा डीपी वाला, हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस पी ऑफ एफ के, एक टर्म और आ जाएगा आपका डी क्यू माइनस ऑफ एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये आपका वी 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 आई फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके इक्विवेलेंट ना कहीं कहीं कुछ और भी, कहीं कहीं आपको किसी और बुक्स में इस टाइप से भी मिल जाएगा, डी एक्स बाई माइनस एफ पी, ओके, डी वाई बाई माइनस एफ की, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप कर दोगे तो माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू डी पी एफ एक्स प्लस पी एफ जेड डी क्यू हो जाएगा एफ वाई प्लस क्यू। एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है, मेरे को ये फॉर्मूला ज्यादा ईजी लगता है, और बहुत सारे बुक में फॉर्मूला दिया हुआ, दोनों में अंतर कुछ नहीं। देखिए इसमें माइनस का मैंने कॉमन लिया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया था, ए माइनस हो गया, ए माइनस हो गया यहाँ पे, ए माइनस हो गया यहाँ पे, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, बस इतना ही का डिफरेंस। तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला या नीचे वाला फॉर्मूला जो भी ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको आगे फिर से फर्दर सोल्व करना होगा। अब इनमें से क्या होगा, हमें सुटेबल कॉम्बिनेशन लेना होगा। कॉम्बिनेशन कैसे, मान लो आप इस दोनों का कॉम्बिनेशन लिए, इसका इसके साथ लिए, या इसके इसके साथ लिए, या कि इसका इसके साथ लिए, अब आप किसके साथ किसका ले रहे हैं कॉम्बिनेशन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें सुटेबल कॉम्बिनेशन लेना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से, और पी और क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं हिंट लिख दे रहा हूं, क्या, नाउ बाय टेकिंग सुटेबल फ्रैक्शन, ठीक है, नाउ बाय टेकिंग सुटेबल फ्रैक्शन फ्रॉम किस, मान लीजिए फ्रॉम थ्री, मान लो आपका जिसके साथ इसका और इसका आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, आपको पी क्यू के लिए सोल्व करना है,
ठीक है, तो हमें अब वो आपको सुटेबली लेना है, उस टाइम क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। नाउ बाय टेकिंग सुटेबल फ्रैक्शन फ्रॉम थ्री, ओके फ्रॉम थ्री, हमें क्या निकालना है, पी और क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो एक स्मॉल पी है, अब भाई पी क्यू निकल जाएगा, एंड देन आपको एक चीज और सोल्व करना, देन सोल्व इस पी को क्या रख देना है, इसमें रख देना है आपको, ठीक है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, आप इसमें रख देंगे तो यहां से आपका इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको सोल्व करने के बाद जो आ जाएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेज है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल केस वाला आपका इम्पोर्टेंट है, तो सम स्पेशल केसेज, सम स्पेशल केसेज, मगर सम स्पेशल केसेज में क्या है, पहला ले रहा हूँ। ठीक है, अगर जो एफ है, हमने अभी एफ क्या लिया था, एफ लिया था एक्स वाई जेड पी और क्यू का फंक्शन लिया था, मान लो कि इसमें से हमारा एफ जो एफ है सिर्फ पी और क्यू का फंक्शन है, इफ एफ पी कमा क्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स वाई जेड यहाँ से गायब है। ठीक है, तो ये ऐसे केस में क्या होता है, डायरेक्टली हमें सोल्यूशन, अभी आप लोग को प्रैक्टिस याद हो जाएगा, ऐसे तो याद नहीं होगा, इफ इतना देन, क्योंकि हमें मेनली तो सोल्यूशन में पहुंचना है ना, देन सोल्यूशन इज गिवेन बाई, ये उसी के साथ पार्टिकुलर कैसे, देन सोल्यूशन इज गिवेन बाई, एक सेकेंड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे ए बी कहां से आ गया, तो ए बी क्या होगा, जो पी क्यू है ना वहां पे आप इसको रख के दिए और यहाँ से ए भी निकल जाएगा, तो आपको कोई भी एक स्टेप का स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो पी और क्यू की जगह ए को मैं बी रख देना, अब जो बनेगा वहां से ए भी निकल गया, उसको यहाँ पुट कर देना, तो आपका जेड इक्वल टू ए निकल जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ले लीजिए, दूसरा केस, अगर क्या है, जो एफ है पी क्यू और जेड का फंक्शन है, दैट इज इफ एफ क्यू स्मॉल पी है। ठीक है, अगर आपका कुछ इस टाइप का हुआ, ठीक है, तब उस केस में कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो फिर वही बात, देन सॉल्यूशन इज, देन सॉल्यूशन इज गिवेन बाय, कैसे दिया जाएगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसको कुछ स्टार में नाम दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, देन सोल्यूशन इज गिवेन बाई पुटिंग पुटिंग स्टार, जो ये इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे गिवन रहेगा, क्या करना है, पी को आप कुछ डेल जेड बाई डेल यू ले लेना, ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा क्यू भी बना, तो पी को कुछ ए टाइम्स डेल जेड बाई, ये आपको समझ जाना कि बस ऐसे होता है, पूरा वेरीफाइड है, तो इसको ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हैं यू क्या है, ठीक है, वेथ यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस ये वाई, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल यू हो जाएगा, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ, क्योंकि जेड ए क्या है, एक्स का क्यू जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो ए टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है, यहाँ पे है, एंड इसके बाद ए आपने इसमें पुट कर दिया, अब सोल्व किसको करेंगे, एंड देन सोल्व, एंड देन देन सोल्व, इसको सोल्व करना है, भाई हमारे अब कैसा बन जाएगा, ए पी इक्वल टू हमने ले लिया ना, तो पी इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड अपन में डेल यू, क्यू इक्वल टू हमने ले लिया ए डेल जेड अपन में डेल यू, और तीसरा तो जेड ही था ए, अब इसको सोल्व करिएगा तो आपका सॉल्यूशन डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, और एक और बता दे रहा हूँ, और भी है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थर्ड वन है आपका क्लैरेट, सॉरी, अगर सिर्फ जेड का टर्म मिसिंग हो, मतलब अगर जो है आपका एक्स वाई पी और क्यू इस टाइप का हो, उस केस में आप कैसे करेंगे फिर, ठीक है, इसको कुछ मैं फिर इक्वेशन का काम पड़ेगा, तो इस टाइप के डबल स्टार दे रहा हूँ, तो पहले हमें क्या करना है, देखिए एक्स और पी आपस में रिलेटेड है, पी क्या है, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसी तरह वाई और क्यू आपस में रिलेटेड है, ठीक है, तो आप क्या करिए, हिंट में दे रहा हूं,
फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट इन इन द फॉर्म ऑफ, इन इन द फॉर्म ऑफ कैसे, एक्स और पी को एक साथ आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, मान लीजिए स्मॉल एफ एन कैपिटल एफ कुछ ले ले रहे हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं पी और एक्स को एक जगह ले लीजिए, ये कुछ के इक्वल हो जाएगा और ए इक्वल टू किसको हो जाएगा, एफ है तो कुछ जी एक मैपिंग ले लीजिए क्यू और वाई के साथ, तो ए आप सेपरेट करके कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ए पता चल गया ना, तो आप सोल्व कर दीजिए, देन सोल्व किसको सोल्व करना, वही डी जेड इक्वल टू कुछ नाम दीजिए इसको, कुछ हम नाम दे देते हैं पार्टिकुलरली, फाइव ऑफ के एक्स प्लस साइज ऑफ के वाई, अच्छा डी वाई यहाँ पे डी एक्स भी होगा, एक सेकेंड यहाँ पे डी एक्स प्लस साइज ऑफ के वाई डी वाई, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन दे देगा, ओके। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लैरिट इक्वेशन, इसमें क्या होता है डायरेक्टली आंसर आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको अभी लिखवा दे रहा हूं, बस नेक्स्ट टाइम को स्टॉप करते हैं। क्लैरिट इक्वेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए जो जेड दिया रहेगा कुछ इस टाइप का दिया रहेगा, जेड इक्वल टू पी एक्स क्यू वाई प्लस फाइव पी कोमा क्यू दिया रहेगा, ठीक है, अच्छा साफ नहीं दिख रहा, साफ कर दे रहा हूँ, इस टाइप से दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देन पुट क्या करना है, P इक्वल टू ए ले लीजिए, जो शुरू में हम लोग किए थे Q इक्वल टू बी ले लीजिए, ओके, किसमें इसी में इसी को मान लीजिए कुछ मैंने स्टार दे दिया, स्टार हमें स्टार में क्या करना है, पी को कुछ ए लेना है बी को, एंड अब हमारा देन इतना, सो देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब आपके पास जाएगा कि ए क्या होगा, तो यहाँ पे भी पी की जगह ए ले लीजिए, तो हो जाएगा फाइव ए और ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं बाद में करवा दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इससे भी क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, वो है कॉसी कॉसी कैरेक्टरिस्टिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक मेथड, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, थैंक यू।